तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 में 10 नए नियम 10 नए रूल्स लागू कर दिए हैं। इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने और दिखाने वाले हैं। गौरतलब है कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 भारत में ही खेला जाएगा जो 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 नवंबर 2023 को इसका फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले सभी 10 नए नियम 10 नए रूल्स के बारे में जो वर्ल्ड कप 2023 में लागू हुए हैं। तो आईसीसी ने जो गलती से पहले की थी उस गलती को सुधार लिया है और वर्ल्ड कप 2023 में नए नियम और नए रूल्स लागू कर दिए। अब क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप 2023 अक्टूबर नवंबर के महीने में खेला जाएगा तो भारत में इस समय रात को काफी औस पड़ता है जिससे टॉस की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि औस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना काफी आसान हो जाता है और गेंदबाजी करना काफी मुश्किल रहता है। इसलिए जो टीम टॉस जीतती है वो चेस करना ही पसंद करती है और चेस करने वाली टीम ज्यादातर मुकाबले जीतती है। इससे पहले हमें T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला था जब UAE में खेला गया था, लेकिन अब आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 को और रोमांचक और जबरदस्त बनाने के लिए नए रूल्स और नियम लागू किए हैं। तो आईसीसी ने सभी वेन्यू और स्टेडियम के पिच क्यूरेटर को पिच पर घास छोड़ने को कहा है, जिससे ओस पड़ने के बावजूद भी तेज गेंदबाजों को मदद मिलती रहेगी जिससे बैलेंस मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईसीसी ने सभी वेन्यूज और स्टेडियम के पिच क्यूरेटर को बाउंड्री के साइज बढ़ाने को कहा है जिससे ड्यू फैक्टर कम हो जाएगा और वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस और भी रोमांचक हो जाएंगे। जहां आईसीसी ने सभी मैदान की बाउंड्री 70 मीटर से अधिक रखने की सूचना दी है। आपको बता दें कि वैसे एक मैदान की बाउंड्री 65 मीटर से 85 मीटर तक होती है और भारत की जो बाउंड्री होती है वो काफी कम होती है, इससे लंबे लंबे छक्के और चौके हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप 2023 की जो बाउंड्री होने वाली है वो काफी बड़ी होगी। अब बात करें वर्ल्ड कप 2023 के अगले नियम और रूल्स के बारे में, तो इस बार वर्ल्ड कप 2023 में कोई भी ग्रुप्स नहीं रखा गया है। जी हां, इस बार वर्ल्ड कप 2023 ग्रुप स्टेज और नॉकआउट के फॉर्मेट में नहीं बल्कि राउंड रोबिन और नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां इससे पहले हमें ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी देखने को मिलता था। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही है और सभी 10 टीम एक ही ग्रुप में मौजूद है, जहां सभी 10 टीमों को अपने बाकी बचे हुए 9 टीमों से एक एक मुकाबला खेलना है, यानी कि सभी 10 टीमों को 9-9 मैचेस खेलने सेमीफाइनल और फाइनल से पहले, जहां टॉप की 4 टीम क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए, जो कि पहले स्थान पर जो टीम होगी वो चौथे स्थान वाली टीम से भिड़ेगी सेमीफाइनल में, दूसरे स्थान वाली टीम तीसरे स्थान वाली टीम से भिड़ेगी सेमीफाइनल में, जहां 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। वहीं बाकी बचे नियम्स और रूल्स की बात करने से पहले, अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट सबसे पहले हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियो जबकि डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल मुफ्त में फ्री में पाना चाहते हैं, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो वर्ल्ड कप 2023 का जो पहला मैच खेला जाएगा वो 5 अक्टूबर को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, लेकिन इस मुकाबले से जस्ट एक दिन पहले 4 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 का ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो वहीं ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के सभी मैचेस टोटल 11 वेन्यू 11 स्टेडियम में खेले गए थे, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचेस टोटल 10 स्टेडियम 10 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के जो नॉकआउट के मुकाबले खेले जाएंगे, यानी कि पहला सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच और फाइनल का महामुकाबला, तो इन 3 मैचों के लिए रिजर्व डे रखा गया है, यानी कि अगर बारिश की वजह से सेमीफाइनल मैचेस या फिर फाइनल का मुकाबला उस दिन नहीं हो पाता तो उसके अगले दिन जहां मुकाबला रुका था वहीं से दोबारा शुरू होगा। वहीं आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज में कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है नॉकआउट मुकाबले की तरह। अगर लीग स्टेज में कोई भी मुकाबला बारिश की वजह से रुक जाता है और पूरा मुकाबला नहीं हो पाता है तो फिर पहले तो डीएलएस मेथड से उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। अगर डीएलएस मेथड से रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर मुकाबले को वहीं रद्द कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स एक एक अंक दे दिए जाएंगे। अब बात करें वर्ल्ड कप 2023 के नए रूल्स और नियम के बारे में, जहां से पहले वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें दोनों टीम पहुंची थी और पहले मुकाबला टाई हो गया था, उसके बाद सुपर ओवर हुआ था वो भी टाई हो गया था, उसके बाद आईसीसी ने बाउंड्री काउंट करके जिस टीम ने सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाई थी उस टीम को विनर घोषित कर दिया था। लेकिन इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार वर्ल्ड कप 2023 में अगर कोई भी मुकाबला टाई हो जाता है बराबर हो जाता है तो उसके बाद सुपर ओवर होगा, अगर सुपर ओवर भी बराबर हो जाता है तो उसके बाद भी सुपर ओवर खेला जाएगा और जब तक सुपर ओवर खेला जाएगा जब तक उसका रिजल्ट यानी कि नतीजा निकल कर नहीं आता है बाउंड्री काउंट करके किसी भी टीम को विनर घोषित नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें
कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 में जिस दिन दो मैचेस खेले जाएंगे तो पहला मैच भारतीय समय अनुसार दिन में 10:30 बजे से यानी कि 10:30 AM से शुरू होने वाला है और दूसरा मैच दोपहर 2 बजे से यानी कि 2 PM से स्टार्ट होगा। लेकिन जिस दिन एक ही मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 में वो मैच 2 बजे से यानी कि 2 PM से शुरू होगा भारतीय समय अनुसार। तो ये वर्ल्ड कप 2023 के सभी नियम और रूल्स है जो कि हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है पूरी विस्तार से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।